What's up guys, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू गेम प्ले सीरीज जो कि टू कॉपी होने वाला है कार फॉसिल सिमुलेटर 2023 के, वो भी एंड्रॉइड में। एंड इस गेम के ग्राफिक्स जो है एकदम नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं। इस गेम पे अपने को क्या करना है, अपना एक कार शोरूम होगा जिसमें हम लोग कार बाय करके लाएंगे एंड उस कार को हम लोग रिपेयर करके सेल आउट करेंगे। तो ये एक नया गेम था बट इस गेम का नेम जो है कार फॉर ट्रेड है एंड सेलर सिमुलेटर। तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपना न्यू गेम प्ले को करते हैं हम लोग स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ एंड आप लोग इस गेम के ग्राफिक्स तो देख ही रहे होंगे कि क्या ही गजब के हैं। और ये रहा अपना शोरूम जिसको हम लोग अपग्रेड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे तो पूरा का पूरा गार्बेज पड़ा हुआ है, बट ग्राफिक्स थोड़े से सही हैं बट ठीक ठाक भी नहीं है। तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले तो अपने गाड़ी शोरूम का जो है ना नाम रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस बारी ना मैंने कुछ अलग ही सोचा है नाम। चलो सबसे पहले तो हम लोग ऑफिस का डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम लोग इसका नाम रखेंगे इस बारी। मैं सोच रहा हूँ अपने कार शोरूम का नाम रखूँ धांसू मोटर। ओके, तो ये रहा गाइज अपना धांसू मोटर्स। एंड अभी आई थिंक ऑप्शंस को ओपन होने में लगभग टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। हम लोग ऐसे करते ना, सबसे पहले तो चलते हैं बस स्टेशन में एंड वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे सीधा नेबर की, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि अपन को भी यहाँ पे भी नेबर से ही सामान वगैरह लेके आना पड़ेगा। रेजिडेंशियल एरिया है इसमें, तो चलो रेजिडेंशियल एरिया में चलते हैं। और यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं भाई, इसके ग्राफिक्स तो नेक्स्ट लेवल के हैं। बट ये देखो गाड़ी डैमेज भी है, मतलब जहाँ से डैमेज है ना आपको साफ पता चल जाएगा। इधर के साइड से गाड़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और यहाँ पे से एकदम एक बढ़िया है। बट सबसे पहले तो डायलॉग करते हैं एंड देखते हैं यार, ये गाड़ी $6,000 की बोल रहे हैं तो मैं बार्गेनिंग करने का ट्राई करता हूँ। इनको देंगे हम लोग $5,000। लेट मी सी, अरे भाई ये बार्गेनिंग करने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे भी अपने एक्सपी पॉइंट होंगे जो हम लोग बार्गेनिंग करेंगे, तो मुझे सेम प्राइस में बाय करना पड़ेगा जो प्राइस में ये दे रहे हैं। चलो तो ओके गाइज, ये रही अपनी पहली गाड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तो इसको हम लोग ऐसे करें डायरेक्ट टो करवा दें। गाड़ी को हम लोग टो कराते हैं एंड यहाँ से हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने शोरूम पे और फिर देखते हैं उस गाड़ी को सेल आउट करेंगे कितने की बिकती है। भाई अपनी गाड़ी किधर है? ओके, सो गाड़ी तो ये रही। तो अभी अपने को ये गाड़ी को ड्राइव करना है स्पेशल पार्किंग एरिया में जहाँ पे हम लोग जो है ना ये गाड़ी को करेंगे सेल आउट। अरे यार पार्किंग तो चलो, मतलब यार देख रहे हो आवाज पूरी की पूरी एकदम सेम आ रही है गाड़ी की। चलो यहाँ पे मैं इस गाड़ी को पार्क करता हूँ, मतलब चार गाड़ियों को हम लोग यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, बस आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, सबसे पहले गाड़ी को हम लोग जो है ना सेल में डालते हैं। बस मेरे को कस्टमर का वेट करना है, कस्टमर आ जाएंगे तो हम लोग जो है ना डायरेक्ट करेंगे सेल। ओके, कार सेल तो $6,000 का मैंने लगभग लिया था एंड मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे को $10,000 मिल जाए ना तो हम लोग सेल कर लेंगे। भाई मैं प्राइस क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? ओके, सो यहाँ पर अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है? $8,700। आई थिंक इतने में तो बिकना ही चाहिए यार, $2,000-3,000 का प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या मजा आएगा। चलो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ पे से बाहर एंड कस्टमर का वेट करना है। लगभग 12 बजे जो है ना यहाँ पे ऑप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, बट ऑप्शन तो यार पहले ही स्टार्ट हो चुका है एंड मेरे को कस्टमर का वेट करना है। आ जाओ भाई कोई मेरी गाड़ी ले निकले। बट यार मैं सोच रहा हूँ गाड़ी अपने को रिपेयर करानी होगी तो अपनी गाड़ी कहाँ पर रिपेयर होगी? यहाँ पर तो रिपेयर सेंटर है ही नहीं, नहीं तो देख के आएंगे अभी। बट पहले कस्टमर का वेट करते हैं। भाई आ जाओ कोई ना कोई, तो भाई कस्टमर आने को तैयार ही नहीं है अपने शॉप में। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं कब तक कस्टमर आते हैं। तो ओके गाइज, यहाँ पे अपना पहला कस्टमर आ चुका है। देखो कितने तेज तेज से आ रहा है, एकदम बस स्टेशन से आया। भाई वो बोला गाड़ी लेके जाना हूँ तो बस स्टेशन का लेके चलता हूँ एंड वहीं से हम लोग गाड़ी लेके फिर गाड़ी ड्राइव करके जाएंगे। भाई कितना, भाई ये तो जो है ना 5,300, मतलब जितने का मैंने लिया उससे भी कम प्राइस दे रहा है मेरे को। भाई ये तो गलत बात है भाई, 6,000 नहीं,
6500 में देगा मैं। भाई इसको तो मैं देगा नहीं, बहुत सस्ते में बोल रहा है भाई, उतने की तो मैंने खरीदी भी नहीं है जितने की ये बोल रहा है। तो दूसरा कस्टमर आया, ये लगभग 5900 समथिंग डॉलर्स बोल रहे हैं, तो बार्गेनिंग करके हम लोग थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। आई थिंक मेरे को इतने में तो बिक ही जाएगा, 6500 बोलूंगा ना, ज्यादा नहीं भाई। भाई उतने में लेने को तैयार नहीं है ये, लगता है मैंने खचाड़ा गाड़ी ली, मेरे को गाड़ी रिपेयर करनी चाहिए थी। चलो $6000 में बेचता हूँ। भाई जितने की हम लोगों ने खरीदी थी उतनी की अपनी कार भी की है भाई, नुकसान हो गया। मेरे को गाड़ी को ना रिपेयर भी करना था क्योंकि गाड़ी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी। चलो सबसे पहले अभी हम लोग सोते हैं, देखते हैं ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन से जो है ना नई कार उठाएंगे, फिर उसको सेल आउट करेंगे। सोने का रास्ता यहीं पर है ना भाई, सो कहाँ पर जाऊँगा मैं भाई, सोने के लिए तो है ही नहीं यहाँ पे। सोना किधर है? अरे भाई सोना किधर है? ये कंटेनर के अंदर जाके हम लोग सो पाएंगे क्या? आई थिंक सो। अरे बेड तो ये रहा, बट सोने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहां पे, इसको खोलने का भी ऑप्शन नहीं है। अंदर से कूद के जाऊं? नहीं यार, इधर से तो रास्ता ही नहीं है। चलो मुझे नहीं पता यार सोना कहाँ पे से है, तो मैं ऐसे कहता हूँ ना, सबसे पहले रेजिडेंशियल एरिया में चलते हैं, वहाँ से एक आधा गाड़ी उठा के लेके आएंगे, फिर उसको बेच कर सोएंगे। तो ओके यार, यहाँ पे हम लोग रेजिडेंशियल एरिया में आए, एंड अभी मेरे पास लगभग $7500 है, सो ये ठीक है। बार्गेनिंग करके ना इनको थोड़ा सा कम प्राइस देगा मैं, भाई फायदा ही नहीं हो रहा अपना गाड़ी बेचने का, तो खरीद के क्या फायदा है। चलो भाई देख रहे हो, ये भी बोल रही है भाई, मैं जो है ना थोड़ा मस्त प्राइस देख रही थी, बट ठीक है। एंड यहाँ पे ना रिपेयर सेंटर भी है, तो मैं सबसे पहले जो है ना गाड़ी लेके जाता हूँ, रिपेयर कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी को ना मैं रिपेयर करा के बेचूंगा। तो ओके गाइज, ये रहा देखो अपना ऑटो रिपेयरिंग, जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को कराएंगे रिपेयर। भाई वैसे ये ना अपने शोरूम से काफ़ी ज़्यादा दूर है, अगर अपने शोरूम के बगल में होता तो फायदे का सौदा था, बट ठीक है यार ज़्यादा भी दूर है तो अपने को ड्राइव करके यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है ये गेम काफ़ी जल्दी ख़त्म तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसको रिपेयर करने में लगेंगे लगभग $150। तो फटाफट से भाई अपनी गाड़ी रिपेयर कर दे, मुझे गाड़ी धोनी भी थी, गाड़ी कहाँ पे धुलेंगे हम लोग नहीं पता मेरे को। भाई हथौड़े मार रहा है गाड़ी में। चलो ठीक है, गाड़ी रिपेयर हो गई, बैठते हैं और निकलते हैं। वैसे अब इसके बाद मैं जाऊंगा डायरेक्ट कार को सेल करके, फिर देखते हैं सोना किधर है। भाई मेन प्रॉब्लम है सोने की। ओके यार, यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। वैसे कार रिपेयरिंग ज़्यादा दूर नहीं है, पहले मेरे को रास्ता पता नहीं था इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा दूर लग रहा था, बट पास में ही है। गाड़ी को मैं यहाँ पे पार करता हूँ और लगाते हैं हम लोग इसको सेल में। एंड मुझे लग रहा है ये गाड़ी ठीक ठाक रेट में तो बिकी जाएगी यार, गाड़ी को साफ़ करना था मेरे को। गाड़ी को साफ़ करने के लिए क्या चाहिए? वैसे यहाँ पे कार वॉश भी नहीं है जिससे हम लोग गाड़ी को साफ़ कर सकें, बट लेट्स सी, अभी ढूंढने से तो पता चलेगा अपने को। $3000 की मैंने लिया था, तो थोड़ा सा मैं हम लोग ना $5000 तक इसको बेचेंगे, क्योंकि रिपेयर करके आया हूँ भाई मैं इसको। $5000 बस। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये माइक्रा को लगाया सेल में, एंड देखते हैं यार ये कितने की बिकती है अपना। भाई रात भी होने वाली है, सोना किधर है? कहीं इसमें सोना ही नहीं है क्या अपने को? पहले घर में जाके देखो, सोने का ट्राई करता हूँ। ओके यार, यहाँ पे कस्टमर आ गया, मैं देखने गया था सोने के लिए, बट कस्टमर भी आ गया और रात भी हो चुकी है, दो कस्टमर आ गए। फटाफट से हम लोग गाड़ी को सेल करते हैं। भाई ये अपने को 4000 समथिंग रुपए देने को तैयार है, बट अभी मेरा क्या करें यार, बार्गेनिंग बट बैक किस तरीके से करना है यार इसको।
4000 समथिंग दे रहा था। इनसे बात करते हैं, मेरे को ये लड़की लग रही है तो डेफिनेटली अपने को काफी अच्छा प्राइस मिल सकता है। भाई ये तो बहुत कम प्राइस बोल रहे थे, मतलब प्राइस बोला ही नहीं बट गाड़ी चाहिए और कुछ नहीं। चलो अभी हम लोग सोते हैं एंड मॉर्निंग में वेट करेंगे। एंड फाइनली यार मॉर्निंग हो चुकी है, एक सेकंड के अंदर बस स्लिप कप में क्लिक किया मैंने और सो गया। अब कस्टमर का वेट करते हैं और कस्टमर आते ही जो है ना हम लोग गाड़ी को बेच के फिर निकलेंगे ऑप्शंस में। ओके गाइस, यहाँ पे दो कस्टमर और आ चुके हैं और बात करते हैं इनसे, देखते हैं कितने का बिकेगा अपना गाड़ी। भाई ये तो प्राइस ही नहीं बता रही है। बार्गेनिंग, चल निकल यहाँ पे से। भाई कहीं ग्लिच तो नहीं हो गया? कस्टमर तो इतने सारे आ रहे, मतलब ढाई लोग। अच्छा लगता है ये उतने प्राइस में खरीदने को तैयार है मेरी ख्याल से। हाँ उतने प्राइस में जितने में मैंने सेल में रखा था उतने को खरीदने को तैयार थे। मैं समझा नहीं भाई ये डायलॉग क्यों नहीं कर रहे अपने का। जब कस्टमर जो है ना डायलॉग करेगा, अगर उसको गाड़ी सस्ते में चाहिए तब वो डायलॉग करेगा अपने से। चलो अभी मैं दोबारा से आया यहाँ पे एंड मेरा प्लान है अबे टुकटुक, अबे ओए टुकटुक है ये तो। मैं टुकटुक तो मेरे को चाहिए नहीं। और गाड़ियाँ। चलो हम लोग आगे चलते, थोड़ा सा ना अच्छी सी गाड़ी लेके जाएंगे 8000 समथिंग डॉलर्स की। ये गाड़ी मेरे को ठीक लग रही है। डायलॉग करके देखते हैं भाई, 7000 डॉलर्स में बोल रहा है तो मैं इसको बार्गेनिंग करके ना उतने में बोलूँगा, ठीक 7000 डॉलर्स में कम करके। ठीक है आई थिंक इतने में मिल जाएगी मेरे को। चलो मैं सोच रहा इस गाड़ी को मैं ड्राइव करके लेके जाऊँ, बट यार डैमेज तो देखो कितनी डैमेज है ये गाड़ी। ठीक है अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इस गाड़ी को कराएंगे रिपेयर, फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कार शोरूम पे। ओके यहाँ पे मैं गाड़ी को लेके आ गया रिपेयर कराने के लिए, जल्दी से मैं रिपेयर कराता हूँ उसके बाद सेल करेंगे इसको ना। अबे ठुकना नहीं, डैमेज हो जाएगी यार। चलो तो अभी मैं निकलता हूँ बाहर एंड जल्दी से गाड़ी जो है ना अपनी रिपेयर कर दे। लगता है मेरे को इसमें रिपेयर करने में ना पैसा बहुत लगेगा, 600 डॉलर्स, क्योंकि डैमेज भी जो है ना बहुत ज़्यादा थी। भाई आप मार कुटाई कर इसका एंड उसके बाद हम लोग इसको सेल आउट करके आते हैं। एंड इस सीरीज़ के और ज़्यादा एपिसोड्स नहीं आने वाले, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस सीरीज़ में और एपिसोड्स बनेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अब नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग कौन सी स्टार्ट करें। चलो अपने गाड़ी रिपेयर हो गया, बैठ के फटाफट से चलते सीधा अपने शोरूम पे, इसको सेल में लगा कर अपना एपिसोड जो है ना आज का हम लोग करेंगे एंड। और भी मैं कार फॉर सेल के एंड्रॉयड वर्जन्स निकालूंगा ढूंढ ढूंढ के, देखते हैं अगर मिलता है तो मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। ओके यहीं पे देखो बगल में अपना कार शोरूम है। ओके चलो, अरे यार कंप्यूटर को मैं यहाँ पे से भी ऑपरेट कर सकता हूँ ना। ओके डायरेक्ट इसमें कंप्यूटर हम लोग यहाँ पे से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो प्राइस कितना था भाई? ज़्यादा देगा, मैं 9000 डॉलर्स में बेचेगा इसको भाई। चलो इतने में ठीक है, बस अभी अपने को कस्टमर्स का वेट करना है। क्या हम लोग ऑफिस को भी डेकोरेट कर सकते हैं? भाई यहाँ से तो ऑप्शंस नहीं आ रहा है डेकोरेट करने का। चलो कंप्यूटर के अंदर बैठ के देखते हैं, क्या पता वहाँ पे से जो है ना मैं इसको डेकोरेट कर सकूँ। नहीं आ रहा यार, व्हाट द हैक। बस नाम ही चेंज कर सकते हैं और कुछ डेकोरेट नहीं कर पाएंगे। सो मुझे नहीं लगता इस वाले सीरीज़ में कुछ ज़्यादा होगा एंड कस्टमर भी आ गया अपना पहला। इनको बेचते हैं और ये गेम मुझे खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा। चलो भाई ये तो सेम प्राइस में लेने को तैयार है, भाई तू ही ले जा। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली कार फॉर सेल सेलर सेमुलेटर गेम सीरीज स्टार्ट किया एंड मुझे कुछ खास इसमें लगा नहीं, तो मैं ये सीरीज़ को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड मुझे नहीं लगता इसमें और एपिसोड बनाना ठीक रहेगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तो यार अभी तक यहाँ पर कुछ खास लगा नहीं, सेम वैसी गेम है। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। मिलते हैं फिर आपसे एक और नए गजब के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।